वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की लिस्ट है कुछ हटके, जिसमें मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे इंडिया में रिलीज होने वाली 15 बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज, जो आने वाले कुछ दिनों में नेटफ्लिक्स पे इंडिया में रिलीज की जाएंगी, जिनमें हिंदी और हिंदी डब शामिल की गई हैं, जिनको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहोगे। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोगों का इस वीडियो के नीचे कुछ लाल रंग का एक बटन गिर गया है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो उस पे क्लिक करते हुए आप उठा लीजिए, तो आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट वाले तोहफे मिलते रहेंगे। और बाकी मुझे पर्सनली कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, जहां पे मैं डेली के जैसे पोस्टर्स के जरिए अपडेट देता ही रहता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं अगस्त मंथ की सबसे बड़ी नेटफ्लिक्स की रिलीज, हिंदी ट्रू क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम का सीजन 2, जो अगस्त मंथ में ही 26 तारीख को नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज की जाने वाली है। और इस बार की कहानी भी दिल्ली की ही एक और असल क्राइम और कुछ शातिर और खतरनाक क्रिमिनल्स की होने वाली है। और जितना भी इस बार की कहानी के बारे में पता चला है, उसके हिसाब से इस बार सीजन 2 की कहानी 2005 के करीब हुए निठारी कांड के ऊपर होने वाली है। और इसके टीजर से भी यही हिंट मिल रहा है, जिसमें कुछ बड़े अमीर लोगों और कुछ छोटे गरीब लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो निठारी कांड की कहानी भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है, जिसमें एक बड़े बिजनेसमैन नाम शामिल था और उसके लिए काम कर रहे थे कुछ गरीब लोग जिनका हाथ बहुत सी हत्याओं में शामिल था। तो अब दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में कहानी को कितनी डिटेल में दिखाते हैं वो काफी मजेदार होने वाला है। और इस बार का स्क्रीन प्ले भी काफी डार्क होने वाला है, जो कहानी को और भी एंगेजिंग और सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ बनाता है। नंबर 14 पे है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हिंदी डब फैंटेसी सस्पेंस थ्रिल मैजिकल वेब सीरीज लॉक एंड की का सीजन 3, जो अभी हिंदी डब में 10 अगस्त को रिलीज होने वाला है। और ये इस सीरीज की कहानी का फाइनल चैप्टर होने वाला है, मतलब कि अब सीजन 3 में इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया है, जिसमें कहानी एक फैमिली से शुरू होती है जिनका सरनेम होता है लॉक। और जब इस फैमिली के 3 बच्चे अपने फादर की मौत के बाद अपने पुराने घर में रहने के लिए आते हैं, जहां उन्हें कुछ जादुई चाबियां मिलती हैं जो जादुई दुनिया के दरवाजे खोलती हैं और जिनको पाने के लिए एक चुड़ैल उनके पीछे पड़ जाती है। अब कहानी आगे बढ़ते हुए एंड तक आने वाली है, तो क्या होगा उनके साथ और उस चुड़ैल के साथ, ये हमें 10 अगस्त से जानने का मौका मिलने वाला है। तो इस सीरीज को देखने के लिए 10 तारीख की डेट नोट कर लीजिए, कहीं मिस ना कर देना। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की एक हिट मार्शल आर्ट्स एक्शन कॉमेडी इंस्पिरेशनल ड्रामा हिंदी डब वेब सीरीज कोबरा काई, जिसका सीजन 5 अभी एक मंथ बाद मतलब के 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रहा है। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि इसकी कहानी जैकी चैन की मूवी द कराटे किड से इंस्पायर्ड है और वैसे ही कुछ आगे भी बढ़ती है, लेकिन जहां वो कहानी 1 घंटा 30 मिनट में खत्म कर दी गई थी, वहीं इस वेब सीरीज की कहानी अभी चलते चलते सीजन 5 तक आ पहुंची है। और बढ़िया बात है कि सभी सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, और जिनको इंडियन ऑडियंस काफी पसंद भी कर रही है। तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो अभी शुरू कीजिए इसके 5 सीजन्स। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक नई हिंदी डब फुल कॉमेडी पैक्ड 18+ अडल्ट कॉमेडी एडवेंचर थ्रिलर मूवी मी टाइम, जिसमें कॉमेडी किंग केविन हार्ट और उसके साथ हॉलीवुड एक्शन स्टार मार्क वेलबर्ग होने वाला है, और दोनों मिलके इस मूवी में कॉमेडी एंड एडवेंचर का ऐसा तड़का लगाने वाले हैं जो हमें हंसाते हुए लोटपोट होने पे मजबूर करने वाली है। जिसमें कहानी केविन हार्ट की है, जो अपनी फैमिली से ब्रेक लेते हुए कई सालों बाद अपने पुराने दोस्त के साथ छुट्टियों पे घूमने जाने वाला है, लेकिन उसकी ये छुट्टियां उसके लिए मजे से ज्यादा उसकी वाट लगाने वाली हैं, जिसको देखते हुए हम एक एडवेंचर भरी जर्नी पे चले जाएंगे, जहां से लौट के आना तो मुश्किल है जब तक इस मूवी की कहानी खत्म नहीं होगी। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की ही इंडिया की दिल्ली क्राइम के बाद एक और बड़ी हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का सीक्वल जमतारा का सीजन 2। जी हां, अभी जल्दी ही हमें जमतारा का सीजन 2 भी देखने को मिलने वाला है, जिसको दिल्ली क्राइम सीजन 2 के रिलीज होने के कुछ दिन बाद अनाउंस कर दिया जाएगा, जैसे हाल ही में शी का सीजन 2 रिलीज किया गया था और उसके कुछ दिन बाद ही दिल्ली क्राइम को अनाउंस कर दिया गया। ठीक वैसे ही अभी दिल्ली क्राइम के सीजन 2 के बाद जमतारा के सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया जाएगा, और इसकी कहानी सीजन 1 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाली है, जिसमें अब वही स्कैम्स और भी बड़े लेवल पे होने वाले हैं, क्योंकि अब यह स्कैम वाली गेम छोटे खिलाड़ियों से बड़े पॉलिटिशियंस की बनने वाली है। तो इस बार थ्रिल भी बड़ा होने वाला है, और उसके साथ साथ हमें इस बार एक्शन भी तगड़ा देखने को मिलने वाला है कंपेयर टू सीजन 1, जो हमें अक्टूबर मंथ में नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलने वाली है। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की अमेरिकन इंडियन फैमिली में एक लड़की की कहानी वाली 18+ कॉमेडी ड्रामा सीरीज नेवर हैव आई एवर का सीजन 3, जो अभी कुछ दिन बाद 12 अगस्त को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है इसके सीजन 2 को आए और इतनी जल्दी इसका सीजन 3 भी आ रहा है,
बाकी इसका बनता भी है क्योंकि इसकी कहानी तो इंडियन टीवी सीरियल्स के जैसी ही है। बस फर्क इतना है कि इंडिया में सास बहू सीरियल होते हैं और अमेरिका में टीनेज ड्रामास होते हैं जिसमें कुछ अडल्ट रोमांस वाला तड़का लगाया जाता है, और वहाँ के लिए तो ये 18 प्लस भी नहीं है। बट हम इंडियंस के लिए एक किस वाला सीन्स भी आ जाए तो वो भी 18 प्लस कंटेंट हो जाता है। तो सीजन 3 की कहानी भी वैसे ही आगे बढ़ने वाली है जिसमें देवी अपने सपनों के बॉयफ्रेंड डेक्सटन के साथ भर भर के रोमांस करने वाली है। लेकिन वो रोमांस देवी सच में करने वाली है या अपने सपनों में, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की एक ब्रांड न्यू और धांसू हॉरर एक्शन कॉमेडी एडवेंचर थ्रिलर मूवी डे शिफ्ट, जो अभी 12 अगस्त को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। और कहानी होने वाली है वैम्पायर्स की, जिनको इस मूवी में धोबी पछाड़ देते हुए एक के बाद एक मारा जाएगा, और मारने वाला एक ही बंदा है, जेमी फॉक्स। और इस मूवी में हॉलीवुड रैपर स्नूप डॉग भी देखने को मिलने वाला है, जिनको वैम्पायर्स किसी लॉटरी से कम नहीं लगते, जो वैम्पायर्स को मारते हुए उनके दांतों से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन उनके सामने भी कोई तगड़ा दुश्मन तो आने ही वाला है, और इस मूवी में खास बात है इसके विजुअल्स, जो डराते हुए हमें हंसाने वाले हैं। नंबर 8 पे है एक और बढ़िया नई कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज ए मॉडल फैमिली, जो अभी 12 अगस्त से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। और कहानी होने वाली है एक जिंदगी से निराश बंदे की, जिसके पास अभी कोई पैसा नहीं बचा और उसकी बीवी भी उसे डिवोर्स देने वाली है, और तभी उसे मिलती है एक लावारिस खड़ी कार जिसमें ढेर सारे पैसे और उनके साथ कुछ ड्रग्स। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होने वाली है, जब इसी चक्कर में फंसा हुआ एक और बंदा उसे मिलता है। अब इन दोनों बंदों को मिलके इन पैसों और ड्रग्स को सेफ रखना होगा अपनी फैमिलीज को जिंदा रखने के लिए। तो असल कहानी क्या होने वाली है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। नंबर 7 पे है एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री मूवी बैंक रॉबर्स, जिसे शायद ओनली नेटफ्लिक्स ग्लोबल पे ही रिलीज किया जाए, जो 10 अगस्त से ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जो एक सच्ची कहानी वाली डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसमें पहली बार असली रॉबर्स अपनी कहानी अपने ही शब्दों में कैमरा के सामने बताने वाले हैं, जिन्होंने 2006 में अर्जेंटीना में एक बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया, और अब कैमरा पे बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने ये चोरी की और कैसे उन्होंने सारा प्लान बनाया, और जब वो बैंक के अंदर थे तो उनको कैसा फील हो रहा था और क्यों उनको ये चोरी करनी पड़ी और उनका मकसद क्या था। सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में देखने को मिलेंगी। अगर आपको नहीं मिलती है ये मूवी तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की ओर से स्पेशली टर्की और मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई 18 प्लस रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर मूवी 365 डेज का पार्ट 3, जिसको द नेक्स्ट 365 डेज के नाम से अभी हिंदी डब के साथ भी 19 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है। और पार्ट 3 की कहानी पार्ट 2 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाली है, जिसमें लॉरा और मौसिमो शादी करने के बाद अपने रिश्ते को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये मूवी टर्क से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसकी कहानी में रोमांस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रोमांस में थोड़ी सी कहानी डाली गई है। तो अगर आपका इस मूवी को देखने का मन है तो दिमाग कहीं साइड में ही निकाल के रख देना, ये बस एक टर्क को शांत करने वाली मूवी है। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज इकोस का सीजन 1, जो 19 अगस्त से ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। और कहानी होने वाली है दो जुड़वा बहनों लेनी एंड जीना की, जो हूबहू एक जैसी ही दिखती हैं और अपने बचपन से ही एक ऐसा सीक्रेट खेल शुरू करती हैं कि टाइम टू टाइम अपने आप को एक दूसरे से चेंज करती रहती हैं, और कभी अपनी और कभी एक दूसरे की ज़िंदगी जीती हैं। और उनका ये पागलपन उनकी शादी और बच्चे होने के बाद भी जारी रहता है, लेकिन इस खेल का नतीजा कुछ खतरनाक होने वाला है जब उन दोनों बहनों में से एक गायब हो जाती है। लेकिन अभी पता नहीं कि जीना गायब हुई है या लेनी, तो क्या मिस्ट्री निकल के सामने आती है वो हमें 19 अगस्त को पता चलेगी। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल मैजिकल मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज फेट द विंग सागा का सीजन 2, जो अभी 16 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाला है, जिसकी कहानी शुरू हुई थी कुछ लड़कियों से जिनमें कुछ सुपर पावर्स होती हैं, और अपनी पावर्स पे अच्छे से काबू पाने के लिए वो अल्फिया नाम के एक मैजिक बोर्डिंग स्कूल में जाती हैं, जहां उन्हें इमोशंस के साथ जादू को फील करना सिखाया जाता है। बाकी कहानी सीजन 2 में क्या होने वाली है उसके बारे में ज़्यादा अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेलर आने के बाद अच्छे से पता चल जाएगा कि कितना मैजिक और कितना थ्रिल होने वाला है, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताता ही रहूँगा। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक नई हिंदी डब स्पाई क्राइम थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज क्लियो, जो 19 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल होने वाली है। और कहानी होने वाली है जर्मन की एक फीमेल सीक्रेट स्पाई एजेंट की, जो अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कई बड़े मिशन को अंजाम भी दे चुकी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बर्लिन के साथ जर्मन के आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं और इस स्पाई एजेंट को गद्दार बताते हुए जेल में डाल दिया जाता है,
और अपने ही देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ये क्लियो अभी निराश और उसके ही देश की ओर से उसे धोखा मिलने के बाद बदला लेने के लिए बेचैन है। वो अभी उन लोगों को ढूंढ के खत्म करना चाहती है जिन्होंने उसके साथ ये सब किया। अब सच्चाई क्या निकल के सामने आती है वो इस सीरीज में मिस्ट्री और थ्रिल भरी कहानी में दिखाने वाले हैं। नंबर दो पे है नेटफ्लिक्स की एक और नई सुपर हीरो हिंदी डब एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द इम्परफेक्ट्स, जिसकी रिलीज डेट तो अभी अनाउंस नहीं की गई है लेकिन अक्टूबर मंथ में ही कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। जिसकी कहानी शुरू होने वाली है एक पागल साइंटिस्ट के साथ जो तीन यंगस्टर्स को जबरदस्ती अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाता है जिसके बाद उनमें कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाली इलेवन के जैसे। लेकिन इन तीनों को बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए होती है तो इन तीनों का बस एक ही मिशन होता है, उस पागल डॉक्टर को ढूंढ के फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीना। लेकिन इनके रास्ते में अभी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो इनको खतरनाक मानते हुए पकड़ना चाहती हैं, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से बने कुछ और मॉन्स्टर्स जो इन तीनों के रास्ते में आने वाले हैं। तो एक्शन और एडवेंचर भरी सीरीज होने वाली है ये वाली। नंबर एक पे है नेटफ्लिक्स की साईफाई फैंटेसी वॉर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द विचर सीरीज का प्रीक्वल सीजन द ब्लड ओरिजिन। मतलब ये सीजन द विचर सीरीज की कहानी को पास्ट में 1000 साल पीछे के टाइम में ले जाने वाली है, जब 11 दुनियाओं की 7 जातियां आपस में मिलके एक ऐसी शक्ति से लड़ने वाली हैं जो उन सबसे ताकतवर होने वाली है। जिस ताकत को रोकना किसी अकेली जाति का तो क्या, इन 7 जातियों का मिलके रोकना भी इम्पॉसिबल सा होने वाला है। तो इस बड़ी जंग को देखते हैं ये सभी मिलके कैसे जीत पाते हैं, जो इस सीरीज का सबसे खतरनाक सीजन होने वाला है। तो आज की लिस्ट में इतना ही, जिसमें नेटफ्लिक्स की ओनली बड़ी कुछ मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताया है, लेकिन ऐसे ही और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जिसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता ही रहूंगा। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टाटा बाय बाय।